भैया जी पांच जूस रहे ता दादा की हद पर कहानी रह गई। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दो। ससकराज चैनल है, ससकराज पे कर जइयो मत। हो दाबू भैया तुम्हारा भारी मेहनत कच्चू है, गोचू घुस गए मेहनत कच्चू कच्चू। ससकराज कर ही करो यार चैनल। अब पार्ट टू आए रहो। ठीक है, जे दादा की कहानी जय मे को चा भाई की सुखा भयो भैया लल्लू। हाँ सो दादा मेरे मोटे आवाज दे दो के चिंता मत कर, जागा में तो ऐसी फसल होगी कहते तैसी। सो गाना के आए दादा के जोर में के दादा छत्ती सा तो मे दादा ने कही काल भैया के माए तो गांव में न्यो समझ ले फसल बिल्कुल न है रही। दादा ने डरी पूछी के क्यों ना नरी फसल सुखा भयो लल्लू। गाम के कह रहे यूरिया और खाद तुम मिलना रो कितु तो बिन भी करे फसल है ना रही। सो दादा ने कही तुम चिंता मत करो जाती जकी तो खाद तो हूँ इंतजाम कर दू मुको। सुखा भयो भैया दादा से माए से कह के गाम के तो चले गए। दादा में वो तीन नाम ही रहो। सुखा भयो लल्लू दादा ने एक कोने पे बैठ के आई करी चल्लू पचास चालीस बीघा भर दे तीन दिन हिंगत रहो। अरे लल्लू दिनों रात हिंगत रहो। अरे लल्लू चुनो समझ ले पचास चालीस बीघा भर जाने चो। मेरे दादा ने हिंगत हिंगत चुका भयो गाम के जे कच्चे के खाते भाई खुश है भारी कुछ है गए। सुखा भयो लल्लू अब तो दादा के याद के न पानी में पड़ गए। सुखा भयो दादा ने कह दे चिंता मत करो ऊँगा चूंचा बचा तुम्हारे खेतन में कोई कमी नहीं आ जाएगी। सो लल्लू तो बैठना की बात है। सो दादा ने खेत पर खेत ऐसी फसल होगी ऐसी फसल होगी। सो गदैया गदा ने खाई घोड़ा घोड़ी ने खाई दुगैया तो लोग ने खाई। सुनो समझ ले गाम की जनी मानस बूढ़ी बड़ी मे दादा की तो ऐसी दीवानी है गई है ऐसी दीवानी है गई है। मे दादा को नाम लेते लेते तो रात का जाती है। अरे लल्लू भारी शुगर है गई है। अरे लल्लू पुराने जमाने की बात है। अब तो दादा अब कहो अब तो नो समझ ले बे जमाने में दादा का डट चू भारी तगड़ हो। भैया अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल यार सब्सक्राइब भी कर मत जाइयो और फेसबुक पर फॉलो कर दियो। राम राम।